काढ़े ली। तो इन शब्दों के लिए मुझे ये हमेशा लगा कि ये उस प्रकार की गंदगी के समान है जो हमारे पास पड़ोस में गंदगी का ढेर लगा है। कोई खाली प्लॉट देखते हैं तो लोग कचरा फेंकना चालू कर देते हैं और ढेर लग जाता है, और जब वहां से हम सभी लोग निकलते हैं तो मुंह पे रुमाल नाक के ऊपर रख लेते हैं कि ये गंदगी मुझ तक ना आए। और गंदगी का आभास तो हो जाता है तभी हम रुमाल रखते हैं, और जब इस गंदगी को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, मगर ये गंदगी फैलाई किसने? ये गंदगी समाज के अंदर है, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हमारे ही द्वारा ये विचारों की गंदगी फैलाई गई है, इसको हटाएगा कौन? कई लोग कहते हैं मेरे यहां ये माहौल नहीं है, मेरे घर परिवार में ऐसा नहीं है। तो आप क्या सिर्फ घर परिवार के अंदर ही रह लेते हो? क्या आप समाज के बीच में नहीं आते हो? चाहे स्कूल के माध्यम से आओ, चाहे अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से आओ, आप सामाजिक प्राणी हो। आप सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह करके समाज की गंदगी को नकार नहीं सकते हैं। आपको अगर अच्छे संस्कार मिले हैं और समाज में कोई ऐसा बच्चा और परिवार है जिसको नहीं मिला है, तो देना भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जहां नहीं है वहां पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। हम भाग्यशाली हैं कि हमको वो परिवार मिला, ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमको संस्कारित किया, मगर वो दुर्भाग्यशाली है कि उनको वो वातावरण नहीं मिल पाया, वो परिवार नहीं मिल पाया, वो माता पिता नहीं मिल पाए। तो उनके अगर हमको सौभाग्य मिला है, ईश्वर ने ये सब कुछ हमको दिया है, तो सिर्फ अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं, समाज में वो बातें जानी चाहिए। तो यहां हम लोग जितने लोग भी बैठे हैं इस विचार के संवाहक होंगे, और इसकी बुनियाद हमने क्यों की? मन में ये मंथन बहुत समय से था, मैं हमेशा टोकती थी लोगों को, मुझे लगता था कि ये जागरण का विषय है, और इसके लिए जो पंक्तियां मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी, मुझे लगा कोई कार्यस्थल जिसको प्रथम अवार्ड मिल चुका है स्वच्छता मिशन में, और वहीं पे किसी के विचारों की गंदगी के कारण कोई असहज महसूस करता है और किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो क्या वो कार्यालय स्वच्छता मिशन में प्रथम आने का हकदार है? जब बाह्य अभ्यंतर शुचि का कहने वाले हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, तो मेरे हिसाब से वो कतई हकदार नहीं है। तो इसी मूल भावना को देखते हुए जब मैंने देखा कि बार बार में लोग बोलते, एक बार मैं छोटी सी घटना बताती हूँ, मैं सफर कर रही थी, मेरे साथ एक महिला और थी, और उसी के बगल के कंपार्टमेंट में जो है 10-12 जेंट्स बैठे हुए थे, माँ बहन बेटी की गाली हर उनके वाक्य के प्रारंभ में ही शुरू होती थी। जब सुनते सुनते मैं थक गई, मुझे और सारे लोग असहज महसूस कर रहे थे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, जब सुनते सुनते मैं थक गई तो मैं खड़ी हुई। मैं बीच में जब उनके जाके खड़ी हुई तो उनकी बात करने पे विराम लग गया, वो स्वयं में असहज महसूस करने लगे कि ये क्यों खड़ी हो गई अपरिचित सी मेरे बीच में। मैंने कहा, आप लोग क्या पढ़े लिखे हैं? आपके क्या माँ बहने हैं? बोले, मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा, मुझे जैसा लगा आप लोगों के अब तक के व्यवहार से, मैं वैसी ही बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, आप लोग कैसे सफर करें? अरे वो हमारी तो बच्चे की शादी है और हम सब दोस्त वर्षों बाद इकट्ठे हुए हैं, और इसलिए हम लोग सब यहाँ है, पूरी फैमिली उधर है, और हम लोग हंस बोल के बात कर रहे हैं। हमने कहा, आप क्या अपने घर में जब बात करते हैं तो इन्हीं माँ बहन बेटी की भाषा से ही शुरुआत करते हैं? अपने बेटी से बात करने में, पत्नी से बात करने में, पिता से बात करने में? बोले, अरे मैडम आप कैसी बात कर रही? हमने कहा, फिर वही बात कर रही हूँ जो आप अब तक बोल रहे थे। बोले, मैडम ये तो सहज में इसका कोई वो मीनिंग थोड़ी होता है। हमने कहा, हम सब इतनी देर से असहज महसूस कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं लगा वातावरण में कि मेरे ही जैसे घर परिवार के कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी यहां बैठी हुई? तो उन्होंने कहा, मैडम बहुत बहुत सॉरी, हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते। हमने कहा, इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे? इन शब्दों में आप जो बात बोल रहे हैं, क्या वो बलात्कारी मानसिकता का बीज नहीं है जिससे आज समाज सफर कर रहा है? जब हम जैसा विचार पाते हैं अपने अंदर, वही हमारे कार्य में धीरे धीरे परिणित हो जाता है। शब्द ब्रह्म है, हम सभी जानते हैं,
शब्द ब्रह्म है, रिसर्च है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड में घूम रहा है तरंगों के रूप में, फ्रीक्वेंसीज है उसमें। महाभारत के युद्ध की भी फ्रीक्वेंसीज को काउंट किया गया है, ये रिसर्च बोलता है। तो जब शब्द ब्रह्म है, हम समझें या ना समझें उसका प्रभाव तो पड़ेगा। एक अच्छा खासा व्यक्ति अगर उसको कोई थोड़ी देर पागल पागल बोलने लगे तो दो चार थोड़ी देर के लिए तो वो दो चार बोल बार बोलने पे तो अवॉइड करेगा, मगर पांचवी बार हो सकता है।